for it. Top of his head. Yeah, very nice. Good. Now, okay. Next, this one small one, Rakhi, is for Cashew. We need to tie him. Wishing all of you a very, very, very happy Rakhi, and I hope that your day was awesome और आप लोगों ने बहुत अच्छे से celebrate किया और राखी. So just to share a small thought with you that as you all know that me and Sneha we are sisters and we don't have a brother of our own. तो हम बचपन से ये करते आए हैं कि मैं और Sneha एक दूसरे को ही राखी बांधते हैं, और हमारे मन में कभी ऐसा thought नहीं था कि राखी जो है वो एक फेस्टिवल है भाई और बहन के लिए, क्योंकि हम दोनों बहनें हैं तो हम एक दूसरे को ही राखी बांधते थे. और आई थिंक ये आपको भी अपने बच्चों में इंकल्केट करना चाहिए. लाइक इफ़ यू हैव टू चिल्ड्रेन, लाइक वन इज़ बॉय एंड वन इज़ गर्ल, सो लेट योर डॉटर ऑल्सो गेट राखी टाइप बाई हर ब्रदर. मतलब जो आपका बेटा है वो भी राखी बांधेगा आपकी बेटी को, और जो बेटी है वो भी बांधेगी. बच्चों पे मतलब इसको जेंडर बायस मत करिए, और इवन बॉयज़ पे ऐसा प्रेशर मत डालिए कि उनका काम है रक्षा करना. गर्ल्स का भी काम है बॉयज़ की रक्षा करना. बेसिकली दोनों को एक दूसरे की केयर करनी चाहिए. सो इफ़ यू हैव लाइक टू गर्ल्स तो उन दोनों को राखी बंधवाइए. बॉय और गर्ल है तो दोनों को एक दूसरे का राखी बांधना चाहिए. सो दिस वॉज अ वेरी स्मॉल थॉट दैट प्लीज़ इस फेस्टिवल को जेंडर बायस मत करिए कि सिर्फ जो बेटियां हैं वो अपने भाइयों को राखी बांधेंगी और उनसे रक्षा करवाएंगी. आई थिंक इट्स टाइम फॉर इक्वालिटी, और हम सबको एक साथ ये सेलिब्रेट करना चाहिए. एंड दिस इज़ द रीज़न दैट मी एंड Sneha वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग दिस अमेजिंग फेस्टिवल फ्रॉम आर चाइल्डहुड, एंड वी हैव नेवर मिस्ड दैट वी डोंट हैव अ ब्रदर ऑफ आर ओन. सो जस्ट साइनिंग ऑफ विद दिस स्मॉल मैसेज. आई होप आप इसको अपने दिमाग में थोड़ा सा सोचेंगे कि शायद मैंने सही बात की थी. सो दैट्स इट. And please don't go away. Some photos are coming up, beautiful photos. Just do enjoy them. Keep loving us. Take care. Bye bye. Happy parenting.